हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजा राव के बारे में, उनकी बायोग्राफी एंड उनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मुल्क राज आनंद एंड आर के नारायण। इन तीनों का ही एक ट्रायो है, ये तीनों नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं राजा राव के बारे में। सो द लाइफ स्पैन ऑफ राजा राव, ही वॉज बॉर्न ऑन 8 नवम्बर 1908 एंड ही डाइड ऑन 8 जुलाई 2006। 1908 टू 2006 इनका लाइफ स्पैन है। एंड बर्थ प्लेस की बात करें तो हसन, जो कि मैसूर में है एंड नाउ आजकल कर्नाटका। एंड अल्मा मीटर मीन्स अ प्लेस वियर समबडी हैज स्टडीड। तो इन्होंने पढ़ाई की थी ओस्मेनिया यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एंड यूनिवर्सिटी ऑफ माउंट क्लेयर से। ही पब्लिशेस फर्स्ट स्टोरीज इन फ्रेंच एंड इंग्लिश। राजा राव ने जो अपनी सबसे पहले स्टोरीज पब्लिश की थी वो फ्रेंच एंड इंग्लिश में पब्लिश की थी। इफ यू टॉक अबाउट अवार्ड्स, ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964 फॉर द सरपेंट एंड द रोप। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो मुल्क राज आनंद, आर के नारायण इन सभी को मिला था। एंड जो सबसे पहले मिला है वो आर के नारायण को 1960 में मिला था। ये क्वेश्चन भी आता है याद रखना। और राजा राव को ये अवार्ड 1964 में मिला है इनकी नोवेल द सरपेंट एंड द रोप के लिए। एंड दिस नोवेल वॉज रिटन इन 1960। इट वॉज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। सेकेंड प्राइज न्यूस्टेट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1988 एंड पद्म भूषण इन 1969 एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण इन 2007 पोस्थ्यूमसली। पोस्थ्यूमसली मीन्स डेथ के बाद। पद्म भूषण को 2007 में मिला, 1 ईयर आफ्टर हिज डेथ। एंड हिज फादर नेम वॉज एच वी कृष्णा स्वामी, हिज मदर नेम गौरम्मा। हिज मदर डाइड वेन ही वॉज 4 ईयर ओल्ड। हिज फर्स्ट वाइफ, इन्होंने 3 शादियां की थी। फर्स्ट वाइफ कैमी मॉली, डाइवोर्स्ड इन 1939 में डाइवोर्स ले लिया था इन्होंने। और इनकी जो शादी की जो बिटरनेस है, जो भी ब्रेकडाउन हुआ था, उसका जिक्र हमें मिलता है इनकी नॉवल द सरपेंट एंड द रोप में। एंड सेकेंड वाइफ कैथरीन जॉन्स, एंड कैथरीन जॉन्स इन दोनों का एक बेटा भी था क्रिस्टोफर रामा। विथ कैथरीन जॉन्स ही मैरिड इन 1965 एंड डाइवोर्स इन 1986। हिज थर्ड वाइफ सुजैन वर्गट। एंड राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर, एक अवार्ड क्रिएट किया गया था इनके ऑनर में, नेम्ड राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 2000 में ये अवार्ड क्रिएट किया था, लेकिन इस अवार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया था 2009 में। यानी कि 2009 के बाद ये अवार्ड मिलना बंद हो गया था। वर्क्स ऑफ राजा राव, राजा राव के वर्क्स की बात करें, द फेमस नॉवल कांथापुरा 1938 में पब्लिश हुई थी। इसी नॉवल से इनको फेम मिला था। एंड द सर्पेंट एंड द रोप पब्लिश्ड इन 1960। द कैट एंड शेक्सपियर 1965। द कैट एंड शेक्सपियर एक टीजिंग फेवर है दो दोस्तों का, गोविंदम नैयर जो कि एक फिलोसफर होते हैं एंड एक क्लर्क का। इन्हीं के बारे में ये पूरी स्टोरी है। देन कॉमार्ट किलन पब्लिश्ड इन 1976। इट इज अ स्केच ऑफ साउथ इंडियन मैन पद्मनाभन अय्यर। एंड नेक्स्ट द चेस मास्टर एंड हिज नोवेल्स 1988। इट इज द मोस्ट एम्बिशियस नोवेल ऑफ राजा राव एंड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नोवेल इज शिवरामा शास्त्री। इनके दो वर्क्स काफी इंपॉर्टेंट है, कांथापुरा एंड सरपेंट एंड द रोप। एंड काफी जो क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर वो इन्हीं दो से आते हैं, कांथापुरा एंड सरपेंट एंड द रोप से ही। तो कांथापुरा वाज पब्लिश्ड इन 1938। इट वाज हिज फर्स्ट एंड हिज बेस्ट नोन नोवेल एंड द स्टोरी ऑफ अ साउथ इंडियन विलेज नेम्ड कांथापुरा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कांथापुरा में विलेज का नाम क्या था। द नेम ऑफ द विलेज इज कांथापुरा, द टाइटल ऑफ द नोवेल। इट इज नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्थल पुराण बाय एन ओल्ड वुमन अचक्का। सो एक क्वेश्चन और है कि हु वॉज नैरेटेड कांथापुरा, देन द आंसर विल बी
ओल्ड वुमन अचक्का. द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस नोवेल इज मूर्ति. मूर्ति वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी. एंड एक लोकल डीटी थी, यानी कि एक लोकल जो देवी थी, इनकी कंचमा नेम था. एंड रंगमा, रंगमा वॉज अ एजुकेटेड विडो. एंड मूर्ति जो था वो रंगमा के साथ ही रहता था. एंड बेड़े खाने एक पुलिसमैन होता है हु बेटेड मूर्ति. एंड नेक्स्ट नोवेल द सर्पेंट एंड द रोप, पब्लिश्ड इन 1960. एंड दिस नोवेल वॉज पब्लिश्ड बाई जॉन मुरे. इट वॉज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल. सो विच नोवेल ऑफ आर के नारायण इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल? देन आवर आंसर वुड बी द सर्पेंट एंड द रोप. एंड दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है, फॉर विच नोवेल ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द सर्पेंट एंड द रोप? विच ईयर ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड? इन 1964. Four. Who was the protagonist of the Serpent and the Rope? The protagonist of Serpent and the Rope is Rama Swami. And Rama Swami was so much influenced by Vedantic philosophy and Adi Shankar. And this novel deals with the problem of immigrants and immigration. And एक और क्वेश्चन बनता है, in which novel Raja Rao depicts his breakdown of marriage, first marriage? Then the answer will be Serpent and the Rope. एंड द नोवल डिस्क्राइब रामा स्वामी सर्च एंड क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड सेल्फ नॉलेज. रामा स्वामी मैरिड विथ मेडलिन अ फ्रेंच वुमन ड्यूरिंग द ट्रिप टू फ्रांस. ही मीट सावित्री. रामा स्वामी की जो शादी होती है वो एक फ्रेंच वुमन मेडलिन से होती है, लेकिन जब वो फ्रांस जाता है तो वो सावित्री नाम की एक लड़की से मिलता है. एंड शी वॉज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट एंड ही फेल इन लव विथ हर, फेल इन लव विथ सावित्री. एंड आफ्टर सम टाइम जो इसकी पहली वाइफ है मेडलिन, इससे इसका डायवोर्स भी हो जाता है. तो यही सब जो पहले इसके साथ हुआ था वही सब इस नोवेल में दिखाया गया है. एंड शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है राजा राम ने कुछ, जैसे कि द काउ ऑफ बैरिकेड्स पब्लिश इन 1947, द पुलिसमैन एंड द रोज पब्लिश इन 1978, ऑन द गंगा घाट published in 1989, and if you talk about non-fictional work, then Changing India, an anthology in 1939, Tomorrow, published in 1943 to 44, and The Meaning of India, ये ऐसे है इनका. काफी बार ये भी पूछा जाता है कि तीन वर्क एक से दे, तीन नॉवेल्स दे दिए जाते हैं, एक ऐसे दे दिया जाता है, तो ये पूछ लेते हैं कि इसमें से ऐसे कौन सा है. तो इट वॉज पब्लिश इन 1996. द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी है, 1998 में लिखी गई है, महात्मा गांधी की बायोग्राफी है, राजा राव ने लिखी थी. एंड एंथोलॉजीज इनकी हैं द बेस्ट ऑफ राजा राव पब्लिश इन 1998 एंड फाइव इंडियंस मास्टर. ये फाइव इंडियन मास्टर हैं राजा राव, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, मुल्कराज आनंद एंड खुशवंत सिंह, पब्लिश्ड इन 2003. तो राजा राव के बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछ रहा था, ओनली जो दो नॉवल है कांथापुरा एंड द सर्पेंट ऑफ द रोप, उसमें भी साहित्य अकेडमी कब मिला था, इन सब चीजों के बारे में. तो ये इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड इनके वर्क्स के बारे में था. तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा होता है तो प्लीज एटलीस्ट एक लाइक तो आप कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइएगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है. So thank you for watching.